think the girls with their nails done now. So hey guys, welcome back to another video. और गाइस, आप सभी लोग शायद थंबनेल के ऊपर देख के क्लिक करके आए होंगे कि ये शायद कोई हॉरर एपिसोड है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप सभी लोगों को थंबनेल ना समझ में आया हो, ये कोई हॉरर एपिसोड नहीं होने वाला है सिंचन का, ना ही कोई बैंड फनी एपिसोड। गाइस, आज हम एक मिस्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं सिंचन की, जिसके ऊपर मैंने एक थ्योरी बनाई है, जो कि गाइस निकल के आती है सिंचन के एक एपिसोड के बारे में, जो कि है हॉरर कजामा, फेक लिफ्ट, जो भी आप सभी लोग कह सकते हो, हॉरर कजामा, फेक कजामा या फिर हॉरर लिफ्ट एपिसोड ऑफ सिंचन। ये आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे किसी ना किसी बड़े यूट्यूबर या फिर किसी ना किसी छोटे यूट्यूबर के चैनल पे ज़रूर देखा होगा। मैंने इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं बनाया था क्योंकि मेरे को इसकी नीड नहीं लगी। सो गाइस, इस एपिसोड के हिसाब से मेरे को लगता है ये एपिसोड पूरा का पूरा एक गेम के ऊपर बेस्ड है, जो कि रियल लाइफ का है, जो कि कॉमिक्स में से निकल के आता है, जो कि 2010 में कोरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसका नाम है द गेम एलिवेटर दैट लिफ्ट्स यू टू अनदर पैरेलल वर्ल्ड। सो गाइस, ये इस गेम का नाम है, काफ़ी अजीब है, आई नो। सो गाइस, मेनली इस गेम में कुछ आप सभी लोगों को नंबर डायल करने होते हैं जिस बिल्डिंग के फ्लोर्स हो 10 उसकी लिफ्ट में, और फिर आप सभी लोग कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाते हो। मेरे को इतना पता है कि जब आप फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाते हो एंड में, तो फिर आप एक 10th फ्लोर पे डायरेक्ट हो जाते हो, और वहाँ पे वो आपकी दुनिया नहीं होती, वो कोई दूसरा वर्ल्ड होता है। सो गाइस, आई थिंक सो जो फेक कजामा और सिंचन भी फेक था, और साथ ही साथ कजामा की मॉम भी जो फेक थी, वो एक एंटिटी थी जो कि उसी पैरेलल वर्ल्ड में से आई थी। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे, आखिर वो आई कैसे, आखिर उस गेम को खेला किसने? वो कोई और नहीं, हमारे प्रिंसिपल सर ही थे जिन्होंने शुरुआत में उस गेम को खेला। फिर गाइस, हमें उस एपिसोड को शुरुआत करते हुए दिखाया गया, और वहाँ से वो एंटिटी आके कजामा को परेशान करती है। देन कजामा तभी इतना ज़्यादा फ्यूरस हो जाता है। और गाइस, एपिसोड की एंड टाइम में हम सभी लोगों को ये भी साथ साथ दिखाया गया था कि कजामा अपने आप 10th फ्लोर पे चला गया था, जो कि था ही नहीं, बल्कि उसकी वहाँ पे छत थी, और वो काफ़ी ज़्यादा डरावना सीन था, जहाँ पे कजामा देखता है अपनी छत के ऊपर से कि उसके जैसा ही दिखने वाला एक फेक कजामा आ चुका है। और गाइस, इस टाइम जहाँ से वो देख रहा था उसको, फेक कजामा को, वो गाइस एक्चुअली में एक पैरेलल वर्ल्ड थी जहाँ पे वो पहुँच गया था, और मे बी डोंट नो वो कैसे वहाँ से निकल पाया और फिर वो अपने घर वापस पहुँचा। सो गाइस, यही थी इस एपिसोड की मिस्ट्री, जो कि है कोरियन गेम से बेस्ड, जो कि आया है कॉमिक्स में से। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि प्रिंसिपल सर ने वो गेम खेला और उसमें से एक बुरा एंटिटी आया और उसने आके कजामा को परेशान किया। सो, आप सभी लोगों को ये थ्योरी मेरी कैसी लगी, और इसमें कितना दम है मेरे को कमेंट्स में बताना। अगर आप सभी लोगों को ये पसंद आई हो ये मेरी थ्योरी, और ऐसी और थ्योरीज देखना चाहते हो, तो फिर एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाना, और वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब आप मेरे को कमेंट से मोटिवेट करोगे, तो जब सबसे पहले जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले आएगी। बेल आइकन भी ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।